अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। यार आज है संडे और आज वाकई संडे है और आज हमारा आखिरी दिन है भाई छुट्टियों का। और छुट्टियों का आखिरी दिन है इसका मतलब है कि भाई हम आराम से अपनी मर्जी से उठ भी आखिरी दफा सकते हैं। टाइम हुआ है तकरीबन 11 बजे और मैं सिर्फ अभी अभी उठा हूँ और नहाया हूँ बस। फसल भाई तुम नाश्ता करके बैठे हैं और मुझे रहना बना के लिए ब्लैक कॉफ़ी। थैंक यू फसल भाई, थैंक यू। देखो अब दिल धड़क रहा है मेरा, आपके लिए धड़क रहा है, बस हाथ लगा के देखें, यकीन करें सिर्फ इस पर, आप ही का नाम लिया जा रहा है बार बार। यार अभी जाना है, मैंने ना आयु ग्रैंड वहाँ पर एक दोस्त आया हुआ, उसको मैंने ये माइक देना है। माइक मतलब देखो, अगर आपको पिछले 2-3 वीडियो से क्वालिटी अच्छी लग रही हो आवाज़ की तो समझ जाना कि भाई ऊपर मैंने माइक लगाया हुआ था। माइक मेरा नहीं है, साथ ट्राईपॉड स्टैंड भी है। ये बोया कि एक व्लॉगिंग किट आती है, भाई ने वो ली हुई थी, तो मैंने कहा यार ज़रा 2 दिन के लिए मैं टेस्ट कर लूँ कैसी है, क्योंकि मुझे शुरू से ना मतलब टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा शौक है, पता नहीं क्यों। मतलब ये तो मैं व्लॉगिंग तो पार्ट टाइम करता हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी का ज़्यादा शौक़ है। स्टडी भी पार्ट टाइम, स्टडी तो करते नहीं हो, व्लॉगिंग भी पार्ट टाइम करते हो। उधर तो कुछ नहीं करना, सुनवाज तो कुछ नहीं करना, तो रहन दे। अभी वो जो सुफियान भाई हैं वो वहाँ खड़े होंगे, मेरा वेट कर रहे होंगे। तकरीबन मुझे 10 मिनट तो मैं लेट हो गया हूँ, मुझे पहले उठ जाना चाहिए था यार। उनकी मुझे कॉल आई कि मैं आ रहा हूँ, तो मैंने कहा ठीक है भैया आप आ जाएँ, तो मैं फिर लेट गया। और जब उठा तो फिर मैं नहाने लग गया और कॉफ़ी वगैरह के चक्कर में लेट हो गया। वो भाई पहुँचे मैं पहले, तो सॉरी भाई जान, सॉरी। मैं सुना तो आईफोन लिया, मैं आईफोन लिया। हाँ सुना है मैंने कि आपने आईफोन लिया। मैंने देखो क्या आपके सामने ये स्पीकर लगा हुआ है एप्पल का, ये आईफोन मेरा आईफोन है। ये आप क्या है? ठीक 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 जी जी। तो यार ये है सुफियान भाई, इनका सब कुछ है, मतलब माइक वगैरह ये सारा कुछ। और ये कह रहे हैं कि मैंने आईफोन लिया है, मैंने आईफोन लिया है। यार इसने वीडियो बनाई थी, मुझे तो ये लगा इसने लिया, बाकी पता नहीं इसके अंदर की क्या बातें हैं। वो था 12 प्रो मैक्स, हम जब भी लेंगे ना मैक्स के लिए जाएंगे हम। जो लेटेस्ट क्या चल रहा है आजकल, लेटेस्ट क्या चल रहा है? 13 चल रहा है, 13 प्रो मैक्स, 13 प्रो मैक्स, वही लेंगे जब लेंगे। यार आज है संडे, अच्छा संडे वाले दिन ना आयु ब्रांड जो है तकरीबन कोई 70% तो बंद ही होता है, कुछ दुकानें हैं जो खुली होती हैं। एक तो ये दुकान जो है ना, जब मैं दुकान लेवल बोलता हूँ मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और दुकानें खोल रहा हूँ। सर जी शॉप्स कुछ शॉप्स हैं जो खुली होती हैं, बाकी सब जो है वो तकरीबन बंद ही होती हैं। अगर आप यहाँ बात करें बैंक्स की, तो यहाँ पर सिर्फ दमीर बैंक जो है वो खुला होता है, बाकी सबके सब बंद होते हैं। मैंने दमीर बैंक से करेंसी एक्सचेंज कराई थोड़ी सी, और अभी मेरे पास 2 अकाउंट हैं यहाँ पर, एक बकई बैंक में जो कि बकई बैंक बंद पड़ा है, और दूसरा है दमीर बैंक में। अब दमीर बैंक में जो अकाउंट है मेरा उसमें पैसे जमा कराने की सोच रहा हूँ, लेकिन यार दमीर बैंक का थोड़ा सा नुकसान है और बकई का थोड़ा फ़ायदा है। जो मैंने पैसे चेंज करवाए हैं, मैं सोच रहा था कि यार बकई बैंक तो बंद है, चलो दमीर में ही जमा करवा देता हूँ, फिर मैंने जमा नहीं करवाए। पूछो क्यों? वो यूँ कि भाईजान आखिरी दिन चल रहा है आज, कल हमारे पास 28 हो जाएगी, तो इन्होंने जो होता है ना लास्ट मंथ की जो क्लियरिंग होती है उसके पैसे काट लेने हैं। मैंने पैसे जमा करवाने हैं सुबह, उन्होंने पैसे काट लेने हैं, तो भाई मैं तो नहीं जमा कराता। फुल्का कर दिन, चलो यार मैं अपना ही लगा देता हूँ। जब से हमारा ये इंटरकॉम लगा है ना, जब से हमारे लिए मुसीबत ये है कि कॉल करनी पड़ती है ऊपर से कोई, जब तक फ़ोन नहीं उठाएगा जब तक हम अंदर जा नहीं सकते। खोला यार, चलो मेरी बकरियाँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे कितने क्यूट लग रहे हैं यार, है ना। अच्छा इसका घर वाकई 5 नंबर का था, लेकिन मैं जब भी नहीं जा सकते। कुत्ते का फ़ोन जो है ना उसमें से निकला था ये स्पीकर, तो मैंने अपने बैग पर लगा लिया। कैसा? देखो जी, अब ये जो आपको क्वालिटी सुनाई दे रही है, सुनाई दे रही है मतलब वॉइस क्वालिटी जो है वो विदाउट माइक है, और मेरे पास जो ट्राईपॉड है वो मेरा अपना ट्राईपॉड है। उसका जो ट्राईपॉड था ना वजन बहुत हैवी था, ये तो मेरा हल्का सा प्लास्टिक का, मैं इस तरह करूँगा टूट जाएगा। चलिए साहब खाना खुना खा लिया तुम साढ़े वास्ते, कुछ मुरब्बत ही कहनी भाई, मुरब्बत ही कहनी, ठीक है ना। मतलब ये नहीं कि यार चलो बंदा को खिला दे बता दे ना जी, ना बहुत सही बना रहे हैं। छोड़ो यार फैसल भाई, आपने दिल तोड़ दिया यार। आज मैं लोगों को कहता फिरता हूँ कोई मेरा साथ दे ना दे, फैसल भाई रोज मेरा साथ देंगे, लेकिन आज फैसल भाई ने भी ताल्लुक हमसे जो है वो कटा कर दिया। कोई नहीं यार, कोई नहीं, कोई नहीं, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया यार। सूर्य काल से जी, कैसे काल काल से कल से भाई का, कल रात से भाई का गाल सूझा हुआ है, समझदार को इशारा काफी। आप लोग गवाह रहे ना, कल की वीडियो में ये बोल रहा था कि यार अगर आप मुझे उठा देना, मुझे उठा देना। अब देखो मैं कब से इसको उठा रहा हूँ, अच्छा अब उठाया मैंने, 1 घंटे पहले से उठा रहा हूँ मैं। देखो गाइस इसे कहते हैं हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है यार। नरेंद्र मोदी को पता, तुझे नहीं पता, उठ जा, नहीं उठना, रात सोया नहीं है।
क्या किया रात को इसने? यार रात को उसने मोबाइल चलाना था तो वो बहुत जरूरी था यार। अच्छा, चार फिल्में इसने रात को खड़का मारी है, परसों चार रात खड़का मारी होंगी। चार फिल्में, दो नेटफ्लिक्स पे शोज देखे हैं, फेसबुक रन चलाई है, इंस्टा, यूट्यूब, टिकटॉक, स्नैपचैट, हर कुछ टाइम मिला था ना भाई। आपकी तरह थोड़ी क्या अकेले यूट्यूब को बस हम लगे हुए हैं, तो भैया हमारा ऐप पे चलाने जाना होता है, फैन उसके आपसे भी ज्यादा, आपको पता होगा बहुत ज्यादा फैन है। ओए उठ जा उठ जा उठ जा, कैमरा बंद कर, यार वो मुझे पता क्यों उठा रहा है, नाशा करवा उसको बना के, वो ना कैमरा बंद कर में उठो, उसको पूछा कहता है कैमरा क्या बना लेगा, मैं कहा देख ले, पता नहीं उठता, कहता नहीं उठ जाएगा, उठ रहा है, कैमरा बंद कर के मैं उठूंगा ना। अच्छा रोटी बना लो, बड़ी भूख लगी, यकीन करो बहुत ज्यादा भूख लगी है, इसलिए आप करते कैमरा बंद कर दो ताकि आप अच्छे बच्चे बन के आओ। हैं इतनी देर में सामा जो है वो रोटी वगैरह बनाते, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई तो वीडियो बनाता क्यों है, तो अभी मैं जो है ना फेसबुक चला रहा था तो मुझे पता लगा कि आज 27th February है और 27th February को हमारी मैट्रिक की जो है ना वो फेयरवेल पार्टी हुई थी, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि यार तकरीबन इस बात को 5 साल हो गए। जैसे ही मैंने वो पोस्ट देखी तो मैं अचानक से जो है ना वो 5 साल पीछे चला गया, इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ लोगों को, मतलब मेरा, मैं लोगों को नहीं दिखा रहा, मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना रहा, अपने लिए बना रहा हूँ, मतलब कि क्या यार, अगर मैं 10 साल बाद, अभी ऐसा होता है कि मेरे जो पुराने ट्रिप वाले ब्लॉग्स हैं मैं खोल कर देखता हूँ ना, तो मतलब अच्छा लगता है, मज़ा आता है देखने में, और अब अगर मैं 5 साल बाद दोबारा से अगर मेरे सामने ये वीडियो आएगी या मैं जाकर खोल कर देखूंगा मेरा दिल किया, जैसे कि बंदे क्या करता ही अक्सर जब मतलब उसको देखता है कितना मज़ा आएगा, मतलब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। अभी मेरे जो दोस्त हैं अक्सर की ज़ाहिर बात है मैट्रिक के जो दोस्त होते हैं उनसे लोगों का जो है वो ताल्लुक जो है वो ज़्यादा खास नहीं रहता, फिर बाद में कुछ का रहता, कुछ दोस्त होते हैं जो साथ चलते हैं आपके, लेकिन कुछ हैं जो बंदा मतलब फितरी बात है वो इधर उधर हो जाते हैं, मसरूफियात बंदे की आगे आ जाती हैं। अभी मेरे दोस्त हैं जैसे कि अगर मैं नाम लूँ जो मुझे याद है, उज़ैर हो गया, अहमद शहजाद हो गया, अहमद शहजाद शहजाद अहमद सही अहमद शहजाद पी एस एल का मारे ना दरअसल, फिर तो उसके बाद आसिफ है, हसीब है और बहुत सारे हैं, लुकमान हो गया, सकलैन हो गया, फिर सकलैन हो गया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। नहीं नहीं तो अल्लाह के बंदे मुझे 6 साल हो गए मिले नहीं हुए, हालांकि वो मेरा महलेदार था, और अंदाजा लगा लें आप 6 साल हो गए, सॉरी 6 साल में उसको मिला नहीं हूँ, तो बाकी सबसे जो है वो कभी ना कभी मुलाकात होती रहती है, ये बात है। तकरीबन कोई बहुत सारा नाम भूल गया होगा क्योंकि हमारी क्लास में 60-70 स्टूडेंट्स थे, अब सबके नाम तो मैं नहीं ले सकता, और सबके साथ भी जो आपके वो दोस्त होते हैं, अब 3 तो हमारे क्लास में स्कलैन थे, तलहा 3 हमारी क्लास में तलहा थे, वो सब सबके सब मुझे याद है, मतलब भाई फेज तो याद है, और अगर भाई नाम अगर मैं किसी का नाम बोल रहा हूँ तो मेराज था, फिर हमारे पास उज़ैर है, मतलब उज़ैर तो 3-4 दफा ही हो गया यार, बहुत सारे लोग थे, तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को भूल गया हूँ, या ऐसा भी नहीं है कि आप लोग मुझे भूल गए हैं, मुझे पता है, बस यही होता है कि यार बंदा बस मसरूफियात की वजह से बंदा नहीं याद रख पाता। आमिर है, मतलब यार मैं नाम गिनवाता जाऊंगा आप लोग गिनते जाएंगे इसका कोई फ़ायदा नहीं है खैर, लेकिन एक बार याद रखें कि मुझे आप याद हैं, आपको मैं याद होना चाहिए ठीक है ना, और जो पीछे शोर आ रहा है ना ये सामा भाई का आ रहा है, सामा भाई रोटी पका रहे हैं, तो सामा भाई बहुत अच्छे हैं, सामा भाई बहुत अच्छे हैं। अगर भाईजान किसी को बुरा लग रहा है कि मैंने उनकी फ़ोटो जो है वो 5 साल वाली अब शो कर दी है, सॉरी सर दिल किया था करें से, मैं आपसे मदद खाऊँ, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा ना, लोगों से झूठ तो नहीं बोल सकता। ये हमने रात चने बनाए थे, उसामा भाई ने अभी पराठे बनाए, उसामा भाई के पराठों की वजह से यकीन करो ये सारे जो मुंह पे ना ऑयली ऑयली फेस भी हो गया, सारे दाने भी निकले हुए, लेकिन कोई नहीं, जब हम चीज़ खाएंगे कोई ऐसी वैसी तो उसका साइड इफेक्ट तो होगा ही ना। अब क्या यार बंदा अब क्या जरा मारो डाइटिंग पर है यार, खाना खाओ पियो मौज करो वैश मारो यार, जो उसामा भाई के पराठों का जायका है ना, मैं कहता हूँ मेरी अम्मा भी इतने अच्छे पराठे नहीं बनाती जब तक मैं पहुँच नहीं जाता घर, जब मैं घर पहुँच जाऊँगा फिर मेरी अम्मा अच्छे पराठे बनाएगी, करना पड़ता है ना यू नो, फिर इसने सुबह भी तो बना के देना है यार। थैंक यू।